ओके तो कितना कर लिया था हमने? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आ गए थे ना यस मैम, मैम, थोड़ा आगे ही कर लिया था। हाँ तो ये मैंने आपको बता दिया था। मैम ने बैकग्राउंड भी चेंज, नहीं बैकग्राउंड तो वही एक्चुअली, वो कर्टेन ना थोड़े ऐसे हो रखे हैं, वो विंडो दिख रही है मेरे को। थोड़ा दीप सो रहा। हाँ तो मैं वो ठीक कर दूंगी, ठीक है। चलो इधर देखो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो टाइप में आपने क्लासिफाई किया था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना। ज्योमेट्रिकल में मैंने क्या बताया था, आप देखते हो सिस और ट्रांस देखते हो, राइट। और सिस और ट्रांस कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे क्लासिफाई करोगे? डिस्टेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। एंगल शुड बी डिफरेंट, जैसे ए और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे ए बी बी या बोल दूं मैं ए ए के बीच में कैसा एंगल है, 180 डिग्री का है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, अलग है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था, अगर आपको पता करना है कि आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का क्या मतलब है बेटा, कि आपका मॉलिक्यूल वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो आपको क्या देखना है, कि वहां से प्लेन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल आप ये भी देख सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल आपका सिमिट्रिकल है तो वहां पे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर यस जहां से सिमेट्री पास नहीं हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, वो मॉलिक्यूल कैसा है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। yes. यानी कि जब आपने पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट, कौन आया भाई, हाँ, तो जब आपने पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पता लगाया होगा कि कोई भी सैंपल जो है आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा सकते हैं, पोलैरिमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, अपैरेटस होता है, उसकी हेल्प से। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है राइट या लेफ्ट, तो हम ये बोल देते हैं कि हमारा जो सैंपल लिया हमने वो क्या है बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अब हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं वो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, वो हमें थोड़ा सा 3D में हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि कहाँ से सिमेट्री पास हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही है। और वैसे भी नीट के लेवल पे अगर मैं बोलूँ या जेई मेन्स के लेवल पे अगर मैं बोलूँ, तो इतना हाई फाई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन नहीं है, ठीक है जी। चलिए, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या बताया था ओके मैंने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या नहीं दिखाते बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, ठीक है। उसके बाद स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। स्क्वेयर प्लेनर में क्या होते हैं, सारे के सारे जो आपको ये मेटल के चारों तरफ लिगेंड देख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको, सेम प्लेन में। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ये ऐसे आई थिंक दिख भी रहा है, ये देखिए, ठीक है, एक दो तीन चार, ये देखो ये सारे के सारे क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी आपके स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे बच्चा पार्टी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि सारे के सारे प्लेन में है। तो अगर आप पास करोगे प्लेन, सारे के सारे क्या है, कटते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्लेन में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और स्क्वेयर प्लेनर में आप क्या बता सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हो, मतलब सिस और ट्रांस बता सकते हो। इतना हो गया था आई थिंक हमारा, यस मैम, तो बेटा थोड़ी जल्दी आया करो, 8 मिनट लेट, मेरे को तो ऐसे लग रहा है टाइम का आई थिंक नहीं पता होगा। चलिए ओके, उसके बाद बच्चे मैं देखो, जो जो चीजें हम ना सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे का मतलब समझते हो ना, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स को घुसाएंगे, एक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे ताकि ना तुम्हें समझने में भी थोड़ा सा आसानी रहे, तो आराम से करेंगे। 2 दिन का है आइसोमेरिज्म, आज वाला लेक्चर लगेगा और मतलब ये लगा लो 3 दिन का और रह गया अपना कोऑर्डिनेशन, फिर खत्म, ठीक है। चल तो बच्चे यहाँ पे पहली चीज हम ये देखते हैं, जो MA4 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी ये मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, ये सारे के सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या चाहिए होता है, एंगल शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट ऐसे बना के दिखाती हूँ, ये इसमें क्या है, चारों के चारों सेम है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे सिस और ट्रांस को, नहीं कर पाओगे तो ये नहीं शो करेगा। MA3B को कैसे बनाओगे बच्चा पार्टी, ऐसे बनाओगे। अगर मान लो आप बी को यहाँ पे भी ले आओ तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे विच वन इज सिस और विच वन इज ट्रांस, हाँ या ना। यस मैम,
इक्वली yes, बच्चे, ठीक है. अच्छा एंड व्हाट अबाउट एम ए टू? अच्छा इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है? यहाँ पे सारे के सारे सेम टाइप के लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, सपोज NH3, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, तीन सेम टाइप के लिगेंड है, और बी वाला मतलब कोई अलग टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है. ए का मतलब क्या है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है. ए का मतलब क्या बच्चा पार्टी, कोई बाइडेंटेट का, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें डोनर एटम क्या है, सेम है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, ईएन इथाइलिन डाइमिन. तो इसको अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, इधर देखना. ए मैम बहुत सारे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे. अच्छा मैं हटा देती हूँ बेटा. अभी ठीक है? यस मैम. तो क्या आप इसमें बता सकते हो yes, कि सिस होगा, कौन ट्रांस होगा? नहीं, यू कांट, है ना. ऐसे ही आप देखो ये वाला ले लो, इसका मतलब क्या है, ये है. और ए टू का क्या मतलब है, दो क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है, इस तरह से लगा दो. क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे विच वन इज सिस और विच वन इज ट्रांस? नो मैम. नहीं कर पाओगे. नो मैम. ऐसे ही ये बना के देख लेना, ये जैसे मैं इसका बना के दिखाऊं, इसका मतलब क्या होगा, बाइडेंटेट है लेकिन डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है. जैसे कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल मुझे, कि ए और बी तो क्या है बाइडेंटेट है बट डोनर एटम डिफरेंट है, कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल, बताओ बताओ. हे भगवान, कोई नहीं बताएगा, बड़े गंदे हो भाई तुम लोग तो, कोई नहीं बता रहा. ऐसे चलेगा क्या? मैं तो कह रही थी मेरा ये बैच बहुत अच्छा पढ़ता है. बताओ ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड बताओ जिसमें दो डोनर एटम डिफरेंट है. भूल गए? मैं बताऊं? मैम ये लुबना है क्या, ये लुबना ने ज्वाइन किया? यस मैम, यस मैम. हाँ ग्लाइसिन भूल गए क्या यार तुम लोग, ऐसे मत किया करो. किया तो था, ये एक ऑक्सीजन था डोनर एटम और एक नाइट्रोजन था, ये तो तुम्हें अपने आप पता रहना चाहिए, ये चीज है ना, दिमाग में बैठ जानी चाहिए. अब देखो इसमें भी तुम नहीं बता सकते हो कि सिस है ट्रांस. अब मैम बी को ऊपर ले जाते हैं, ए को नीचे ले आते हैं, कर लो, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने बी आ रहा है, ए और बी को पुट्ठा कर दोगे तो भी उसमें क्या आएगा, ए के सामने ए, बी के सामने, तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा. तो ये वो वाले कॉम्प्लेक्स है जो की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. क्लियर हो गया सभी को? यस यस मैम. ओके तो सबसे पहले yes, ma'am. तो नंबरिंग देते, नंबरिंग करते रहना ताकि थोड़ा सा आसान हो. जब आपको लगे कि मैम बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊंगी, क्लास को वहीं खत्म कर देंगे, ठीक है. हाँ बेटा. मैम जो ये वाले जो अभी करा रहे हो ये शो नहीं करने वाले है ना? हाँ ये शो नहीं करेंगे, ठीक है. ओके अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्क्वायर प्लानर में हम क्या क्या देख रहे हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भूल मत जाना, क्योंकि स्क्वायर प्लानर में ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात नहीं कर रही. नहीं कर रही. चलो अब आप नंबरिंग इस पे डालते जाओ, जब आपको लगे कि मैम बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब हमें तो समझ नहीं आएगा, तो वहीं पे मैं छोड़ दूँ, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स है Ma2B2, और N क्या दिखा रहा है यहाँ पे, चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स पे. A का मतलब क्या है बच्चे, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोई एक टाइप का मोनोडेंट है, और B दूसरे टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोई भी ले लो आप, क्लोरीन ले लो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो बच्चे किस तरह से, कौन कौन से दो आइसोमर पॉसिबल है. एक तो एक काम करो, A को आप सिस पे लगा लो, और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा, ट्रांस पे. ये बहुत इजी होते हैं समझने. तो एक आपका सिस बन गया और एक आपका ट्रांस बन गया. ऑप्टिकल हमें तो पता ही, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, प्लेन पास करोगे कटता हुआ जाएगा, ठीक है. ब्लेड लो, हालांकि वो मैं सॉरी मेरे को उससे 3D मॉडल से समझाना था. ब्लेड लो, ब्लेड को ऐसा बीच में से ऐसा क्रॉस करते हुए चलो, ए आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा, एक आधा कट जाएगा, ठीक है. तो इस पे तो हमें ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जहां पे इमेजिन करने की जरूरत होगी वहां पे हम करेंगे. तो यहाँ पे कितने पॉसिबल हैं बच्चे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, हो जाएगा. यस मैम. आगे चलो, ये देखो एग्जांपल भी है तुम लोगों के साथ साथ.
ये आप बना दोगे, इसके भी दो पॉसिबल है सिसो ट्रांस और ये वाला एग्जांपल भी क्या है सिसो ट्रांस। और बेशक आप चेक भी कर सकते हो दोनों के दोनों मोनोडेंटेट है, पिरिडीन भी मोनोडेंटेट है, सीएल भी अमोनिया हो जाएगा। यस मैम। यस ओके। उसके बाद है ए टू बी सी, वैसे मैंने नहीं दिखाना चाहिए था पहले, चलो कोई बात नहीं आ गया। तो ए टू बी सी का मतलब क्या है, पी और सी को अब देखना ध्यान से कैसे लिख सकते हैं। बी और सी को एक बार सिस पे रख दो, एक बार बी और सी को क्या कर दो आपस में 180 डिग्री पे रख दो। हाँ बी और सी सेम लिगेंड है? नहीं नहीं, ए तो सेम टाइप का लिगेंड है, बी और सी दो डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड है। बी एंड सी आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनो डेंटेट लिगेंड, ठीक है जी। यस मैम। तो एक बार आपने क्या किया, बी और सी को सिस पे रखा, और एक बार क्या किया आपने बच्चा पट्टी, बी और सी को ट्रांस पे रखा, ठीक है। तो इसके भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, दो। ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, सारे प्लेन में है, सारे इधर देखिए सारे प्लेन में है, कटता हुआ जाएगा। अगर ये ब्लेड है तो ऐसे 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 कटता हुआ जाएगा सारे, ठीक है। बस थोड़ा सा इमेजिन करो एग्जाम्पल, ये देखो दिख रहा है सभी को, एम ए टू बी सी टाइप, ये भी क्या है एम ए टू बी सी टाइप, ये भी क्या बच्चा ए टू बी सी टाइप। क्लियर है सभी को, कोई अभी तक डाउट? दो हमने देख लिए हैं। नो मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ बेटा, जो एनएस थ्री है वो दो बार है एन, कहाँ पे एग्जाम्पल में, और जो ड्राइंग बनी है उसमें अलग अलग नहीं है? अच्छा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, पिरिडीन और सीएल है यहाँ पे, ये कर दो एनएस थ्री, ठीक है। अरे मैम ये तो उसका है ना। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ भाई ये सेकंड वाले का एग्जांपल है। यस मैम। ठीक है ओके, ठीक है। एनएस थ्री सीएल को एक बार इन्होंने क्या किया, सिस पे लगाया है, और दूसरी बार क्या लगाया बच्चे, ट्रांस पे लगाया है, ठीक है। Yes. एक ही एग्जाम्पल लिख के दिया हुआ है। चलो आगे चलूं मैं। Yes, ओके। नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ना बहुत फेमस है जेई में और नीट में, बट हमें जेई का तो नहीं देखना, हमें तो नीट का देखना है। नीट में बहुत फेमस है ये एम ए बी सी टी। ए बी सी टी का मतलब क्या हुआ पता है ना, चारों डिफरेंट अलग है, फोर डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड। चल गुंजन है बेटा तू क्लास में? यस मैम। मैं कहाँ चला गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, तीन तरह के पॉसिबल है मैम। कैसे देखो, जैसे मैं सिखा रही हूँ ना आपको, बिल्कुल वैसा ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे देखो आप एक काम करो ना, अपनी मर्जी से कहीं भी ए बी सी डी लगा लो। देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया ए बी सी डी, लगा लिया। यस मैम। अब क्या करेंगे, इधर देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको फिक्स कर दो। ए को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे भी फिक्स कर दिया और यहाँ पे भी मैंने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये देखो टी क्या है, ए के सिस में है ना, एक बार क्या ले आओ इसके ट्रांस में ले आओ, बाकी को अपनी मर्जी से कहीं भी रख दे, रख दिया। यस मैम। अब क्या है, बी सिस में था, अब क्या कर दो इसके ट्रांस में ले आओ, ये देखो बन गए। यस मैम। कितने बने हैं, तीन। इसके अलावा आप कोई और बना लो, बनेगा ही नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3, रोटेट करते रहो, वन को यहाँ, डी को यहाँ ले आओ, सी को यहाँ ले आओ, बी को वहां पहुंचा दो, ऐसे ही फिर टू की रोटेशन कर दो क्लॉकवाइज। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपका मन हो वैसे, लेकिन बनेंगे क्या, तीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें क्या बच्चा पार्टी पॉसिबल है। और डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बहुत बहुत बार पूछा गया है, समझ गए? हाँ जी बच्चे, मैंने एक अलग तरीके से किया है लास्ट वाला, ये वाला। हाँ आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। को मैम एक बार फिर से बता दो। एक काम करते हैं, एक बार मैंने ऐसे बता दिया, एक बार मैं क्या करती हूँ रोटेट करवाती हूँ इनको, है ना। चलिए
एक काम करो अंशिका, आपने इसको अपनी मर्जी से कहीं भी लिख दो एबीसीडी, ठीक है। तो अब क्या करो ना, ए को फिक्स कर दो और नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब मैं क्या करती हूँ ना, रोटेट कर देती हूँ क्लॉकवाइज। तो देखो ना, डी को जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो डी सी की वाली लोकेशन पे आ जाएगा और सी यहां चला जाएगा, बी यहाँ पे। देखना एक बार, देखो ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, समझ गए, क्योंकि ए को मैंने फिक्स रखा है। इसका बोलू तो क्या होगा बच्चे, सुंदूस बेटा जल्दी आना चाहिए था। इसमें क्या करूंगी, अब सी को घुमा दो, ए को तो फिक्स रखूंगी, सी को यहाँ घुमा दूंगी, बी को यहाँ घुमा दूंगी और डी को यहाँ घुमा दूंगी, बस खत्म। मैम ने तो सेम ही बना दिया आपने, सेम ही बना दिया मैम आपने, सेम ही सेम ही बन गया, सेम ही। बी को सी की जगह लो, डी को सी होगा, डी की जगह सी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, राइट? यस मैम, बी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, रोटेट करें। देखो ना, इसको कर लो, ये यहाँ पे और ये यहाँ हो जाएगा अंशिका। मैम दो को स्टेबल करके भी कर सकते हैं मैम, एक को स्टेबल रखना है और तीनों को, अगर मैम ए और बी को दोनों को स्टेबल कर दें पहले, फिर मैम बी एंड सी पोजीशन चेंज कर देंगे, और जो मैम ए सी की स्टेबल करके फिर दोनों की पोजीशन चेंज। अगर निगम बेटा तेरा आंसर आ रहा है तो तुम वैसे करो जैसे तूने किया है, ठीक है। बाकी मैं कैसे कर रहा हूं, हां तीन ही बन रहे हैं तो ठीक है। बाकी मैंने क्या मैं क्या करती हूं, पहले अपनी तरफ से लगा लियो ए बी सी डी, एक को फिक्स रखो, दूसरों को क्या लेके आओ, उसके ट्रांस में ले आओ। पहले ए को, ए फिक्स रखा, डी को ट्रांस में ले आओ, सी ऑलरेडी ट्रांस में है, और एक वाला कौन सा आइसोमर बन जाएगा जहां पे आप ए के ट्रांस में बी को ला रहे हो। मैम ए को मतलब स्टेबल रखना जरूरी है, हम बी को नहीं ले सकते? हाँ हाँ, किसी को भी फिक्स कर लो, डी को फिक्स करो, सी को फिक्स करो, बी को करो, आपकी मर्जी। दो स्पेस और एक ट्रांस मिले, हाँ। तो बेसिकली तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पॉसिबल। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये सी सी एस, ये ट्रांस नहीं, आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा लुकना कि एम ए बी सी डी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, आगे चलो। यस मैम, चलिए। ये क्या दो बार आ गया क्या ये, कोई बात नहीं, इसको काटा मारते हैं। चलो आ गया, ये देखो एग्जांपल, एम ए बी सी डी टाइप। अब आपको इसको देख लेना, नहीं तो आप जैसे भी आपने सीखा है वैसे करना। जैसे इसने देखो, इसने भी आई थिंक वैसे ही किया है, अपनी मर्जी से ए बी सी डी लगा लिए, एन एस थ्री को फिक्स रखा, ठीक है, पीरिडीन को लाया पहले ट्रांस में, इधर देखो, और नेक्स्ट में वो हो जाएगा। yes. तो ये वाला हमारा कौन सा था, थर्ड टाइप का था ना, अभी आगे हम चलते हैं फोर्थ टाइप। तो एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। देखो एम ए बी टू का मतलब कितने टाइप्स हैं? हाँ जी बेटा मैम, कितने टाइप्स हैं? बहुत सारे हैं, अभी चलते जाओ, ठीक है। इधर देखो, इसका मतलब क्या है बच्चे, ए बी का मतलब क्या है, बाइडेंटेट है, हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम, डोनर एटम। एग्जाम्पल आपको पता ही है, ग्लाइसिन, ये वाला, ठीक है। यानी कि एक ऑक्सीजन से अटैच होगा मेटल और एक नाइट्रोजन वाली साइड से होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये देखो इसको आप कैसे लगा सकते हो, इधर देखो, दो ही तरीके से लगा सकते हो इसको, ए बी, ए बी, ये देखो, दोनों ए को सिस में ले आओ और दोनों ए को क्या ले आओगे बच्चे, ट्रांस में ले आओगे, खत्म। यस मैम। तो अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आपकी बुक्स में ऐसे करके दिखाया होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, बीच में क्या है, सी एच टू सी ओ, समझ रहे हो? ठीक है जी, 23 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं आज, तो पता नहीं छुट्टियां नहीं खत्म हुई तुम लोगों की।
एग्जाम्पल है ये। हाँ ये भी चेक कर लेना कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ही बना रहे ना आप लोगों को, मैंने बताया था प्लेटिनम डीएसपी टू होती है इसकी, ठीक है, इसका भी डीएसपी टू होगा। कैसे बनाओगे प्लेटिनम का अगर मैं बना के दिखाऊं, एन एन ओ, एक तो ये बन जाएगा और एक बार ट्रांस में ले आओ इस तरह से, ट्रांस में एन एन ओ ओ, बस खत्म। तो कितने पॉसिबल है इसमें, दो। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ, रिपीट करूं फिर। चंगा जल्दी बताओ। यस मैम, चमक दो। अच्छा चलिए आगे आओ। ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, आई थिंक फिफ्थ है ना। यस मैम। ओके बच्चा, तो देखो दो टाइप, दो है, मैं इसमें बता रही हूँ, एक तो ये है एक ये है। इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझो, ए और बी क्या है, बाइडेंटेट है, having two different donor atom, सबसे अच्छा example glycinate है। AB का मतलब क्या है, दो different monodentate। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चे, इधर देखो, AB भी क्या है, bidentate है, दो different donor atom है, और CD भी क्या है, bidentate है, having two different donor atom। कैसे करोगे इसको, कैसे सजाओगे इसको, देखो एक बार। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं AB और AB की, तो कैसे कर सकते हैं सर, इधर देखो, कैपिटल एक बार कैपिटल है, कैपिटल और स्मॉल ए को सिस पे ले लेंगे और फिर एक बार ट्रांस पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए और ए सिस में है, एक आप ऐसे कर लो, मैम कैपिटल इज स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, देखो एक बार, हम दो ही पॉसिबल होंगे ना इसके। तो अगर आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है, अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है कि मैम बी को भी पुट्ठा कर देंगे, बी और ए को बना के देख लो, सेम बनेगा, बना के देखना एक बार, नोटबुक पे अपनी बनाओ, नोटबुक पे बनाओ और मुझे बताओ, अगर आप बी और ए की पोजीशन चेंज कर दे दो, क्या यही सेम आइसोमर मिलेगा, सेम आ जाएगा, ये तो सेम आ रहा है, तो यानी कि इसके कितने पॉसिबल है, दो, ठीक है। इसको कैसे करोगे, ये भी सेम बनेगा, यस मैम कैपिटल और आप अपनी एक बार नोटबुक पे बनाओ, बी और ए की पोजीशन को चेंज करो और मुझे बताओ कि सेम बन रहा है डिफरेंट बन रहा है, फिर मैं आगे चलूं। सेम ही आ रहा है मैम, सेम आ रहा है, तो ये क्या है, दो जी आई इसमें क्या है, पॉसिबल है। तो अब जितने भी मैंने ये करवाए हैं वो रिवाइज करो, आपके जो स्क्वायर प्लानर वाले थे वो इतने ही थे, जल्दी से रिवाइज करो। मैम तीन भी तो बना सकते हैं, क्या हुआ बेटा, एक बार बी को पुट कर देते हैं, वहां पर करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, दिमाग में आ रहा है तो डेफिनेटली करके देखते हैं। किसको, बी को मैं कहां लगाऊं, ऊपर, यस मैम लगाता हूं मैम, इधर ना, इधर बी को लगा, अच्छा बी को लगा दिया, एक सेकंड रुको, जो मन में आ रहा है देख लेते हैं, और यहां पे क्या लगाऊं बताओ, डी और सी या सी डी, यहाँ पे बी और सी सिस में है, यहाँ पे भी सिस में है, ए और डी सिस में है, यहाँ पे भी सिस में, तो ये दोनों तो इक्वल है। मैं इधर से चेंज नहीं कर सकती इसको, तो मैम यहाँ पे ए और सी है, एक सेकंड निगम, हाँ आप बोलो, मैं ये पूछ रहा हूँ मैम, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते इसमें, सी की जगह ए को रख दें, सी की जगह ए को कैसे रखोगे बेटा, ए और बी है ना मोनोडेंटेट लिगेंड, तो सी की जगह कैसे टपका दोगे उसको, ऐसे कैसी कौन सी रिंग बना दोगे, ठीक है, ओके मैम, सी की जगह बी, नहीं नहीं बच्चे कैसे करोगे ना, नहीं बनेगा ना, वही तुम बोल रहे हो, पुट्ठा काम बोल रहे हो तुम करने के लिए मेरे को, मैम बी और ए रखा है ना मैम, ए की जगह पे मतलब सी रख देंगे और सी की जगह पे ए रख देंगे, तो मैम वो पहले में जो डी रखा है उसकी जगह बी रख दें, तो एक मिनट चलो बना के देख लेते हैं सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग चल रहा है, चलो हाँ बोलो, विवेक कुछ कह रहा था, बोल बेटा। मैम जहाँ पे जैसे हमने आपने ये पहला बनाया है, हम जहाँ पे डी की जगह हम बी रख देते हैं, एक ट्रांस में बी हो गया, ए वहाँ पे होगा सबसे ऊपर, ठीक है, और फिर
डी सबसे नीचे होगा, ए के नीचे डी है और बी के ऊपर सी है। बेटा ये कौन सी रिंग बन जाएगी मैम? पर ये तो खेल गया मैम ये। yes. ये तो काम ही खराब कर दिया बेटा विवेक, है ना। ए और बी तो भैया साथ में ही रहेंगे ना, चिपके हुए दोनों मोनोडेंटेट है ना, सॉरी बाइडेंटेट है ना, ए और बी बाइडेंटेट लिगेंड है। यस मैम अब समझ आ गया। कहाँ से रिंग को खींच के तुम एक बार देखना, रिंग को कहाँ से पकड़ के तुम खींच के लेके आओगे, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैम जो आपने इससे पहले करवाया नहीं था मतलब वो चेंज करे थे पोजीशन, तो उसके दिमाग में वही चल रहा था से वही मोनोडेंट दिमाग में आया है, बहुत अच्छी बात है, ताकि अब पता चल गया क्या गलती कर रहे हो। अब दूसरे जो एग्जांपल्स होंगे वैसे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। चलूं आगे। यस मैम। अब ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है तुम्हें डायग्राम, आगे आओ ये देखो। अभी तक हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्फीयर प्लानर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा, सारा हो गया। हाँ टेस्ट है, तीन चैप्टर्स हैं, केमिकल और कौन सा। अब हम देखेंगे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल वो वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आप ज्योमेट्रिकल भी देख सकते हो और ऑप्टिकल भी देख सकते हो, तो अपने दिमाग का दरवाजा वरवाजा खोल लो क्योंकि अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। हालांकि ट्रिक बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। पहले ये देखो, ये आपका देखो ये मेटल है राइट, ये आपके क्या लिगेंड्स हैं, भूल तो नहीं गए ना लिगेंड और मेटल को। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको भी हटा के ना यहाँ नंबरिंग कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा और तरीके से समझा पाऊँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिस वाली कौन कौन सी होंगी, सिस का मतलब होता है सेम साइड, तो अब तुम अपने दिमाग में लिख लो या अपनी नोटबुक पे लिख लो और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैच कर लेना, क्या यही सोच रहे थे। 1 और 2 सिस होंगे, 1 और 3 सिस होंगे, 1 और 6 सिस होंगे और 1 और 5 भी सिस होंगे। देख लो इमेजिन कर लो, ये दोनों सिस दिख रहा है सबको। ऐसे ही 2, 3 सिस होंगे, 3, 4 सिस होंगे, 4, 5 भी सिस होंगे, बोलो, और 4, 6 भी क्या होंगे, सिस होंगे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ओके मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ हाँ जागृति, ये देख बेटा सिस मतलब क्या होता है, सेम साइड है ना, तो हम यहाँ पे सिस कैसे किसको मानेंगे ऑक्टाहेड्रल में। इधर देखो 1 और 2 दो बिल्कुल साथ साथ दिख रहे हैं ना आपको, 1 और 2 ये भी सिस है, ये भी तो सिस है, 1 और 3 भी सिस है, 1 और 6 भी सिस है और 1 और 5 भी। आर यू श्रेषी बेटा, ये सिस है। एंड इस पे आ जाओ, अब 2 वाले पे आ जाओ, तो 2 पे क्या है, 2 और 3 सिस है, है ना, 2 और 4 भी सिस है, 2 और 5 भी सिस है, देख पा रहे हो 2, 3। या एक काम करो ऐसे कर लो मैम, 2, 5 तो नहीं होंगे ना सिस। एक सेकंड बच्चे, हाँ इधर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 2 और 3 सिस है, 3 और 4 भी सिस है, 4, 5 और 4, 6, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यस मैम। मैम 2 और 4 भी तो सिस होंगे ना। हाँ 2 और 4 भी सिस है, और बताओ। और मैम 4 और 6, 2 और 6 भी। यस मैम। और इसकी बात करो 5, 5 का क्या सीन है, 5 और 6 2 और 6 हो गया, हो गया। एक ना कुछ रह गया क्या, टोटल 12 बनने चाहिए, 12 ही है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ठीक है। And what about trans? मैम 1 और 4 है trans, 4 and 2, 6, 3, 2, 5 है, हो गया 1, 4, 3, 6, 2, 5, ठीक है जी। Yes, ma'am. Okay. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस ट्रांस इस तरह से देखेंगे। अब आ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, बहुत बुरी तरह फंसते हैं। तो अब ना जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिर्फ क्या देखना है, अगर आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है
ए सिमेट्रिक है तो वो क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है मैम। मतलब सिमेट्री एब्सेंट होगी, हाँ यानी कि सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। वहां से जब आप प्लेन पास करोगे तो ऊपर नीचे अलग अलग लेगन होंगे। सिमेट्री का मतलब आप क्या बोलते हो कि जब आप प्लेन पास करो तो ऊपर नीचे सेम दिखाई दे रहे, इसीलिए तो डिवाइड हो जाए, है ना। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, हर जगह से सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है जी। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, सारे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। टू सेम लिगेंड इफ, यहाँ पे लिखो सारे, इफ मैम कलर चेंज कर दो, कलर चेंज करो ले बेटा, ठीक है। इफ टू सेम लिगेंड आर ऑन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन एंड अदर फोर लिगेंड एनीवेयर, मतलब कोई भी हो सकते हैं कहीं भी, तो वो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। सिंपल सी बात है, देखो एक बात बताती हूँ, यहाँ पे मान लो ये मेटल है, ऊपर सेम नीचे सेम, और यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो ए बी सी डी, तो ये कैसा टाइप का आपको दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर नहीं दिख रहा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर तो क्या ऐसे है, तो जैसे ही काटोगे, जैसे देखो ये प्लेन में है, एक दो तीन चार, ऊपर भी एल है और नीचे भी एल है, ये देखो इस तरह से दिखा पाऊं तुम्हें, देखो इस तरह से ले जाना ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आप बीच में से काटोगे तो सी कटता हुआ जाएगा, सी आधा कटेगा, डी बी ए बी और बी, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या है, आपको सेम टाइप के लिगेंड दिखाई देंगे, तो यहाँ से सिमेट्री क्या हो रही है, प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ऐसे कर ऐसे देख सकते हो। ये देखो इधर देखना एक बार, ऊपर लिगेंड है दिखाई दे रहा है सबको, एक ये देखो एक ऊपर है, एक ऐसे नीचे, इमेजिन कर लेना, है ना, मैं लगा नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली प्लेन कहाँ से पास कर रहे हो, देखो बीच में से, तो ये क्या हो जाएगी, खुल जाएगी आधा आधा, सेम सेम, yes, ma'am. कर पा रहे हो, yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो ऊपर भी आपको दिखेगा लिगेंड, नीचे भी आपको क्या दिखेगा बच्चा, लिगेंड। तो यानी कि अगर ऐसे वाला केस आता है तो आंख बंद करके क्या लिख दोगे, इनएक्टिव है ऑप्टिकली, ठीक है जी। चलो आगे चलूं, यस मैम, ज्यादा तो नहीं हुआ ना अभी, नो मैम, चलिए नेक्स्ट एग्जाम क्या हुआ, छाया कुछ डाउट है, एक मैम वो कह रही पीछे चलो एक बार सीडी वाली इमेज दिखा दो, कौन सी वाली, ये वाली मैम जो ऑक्टाहेड्रल, हाँ यही वाली, छाया को देख लीजिए, अच्छा मैम वो 3D वाली इमेज यही वाली है, ऑक्टाहेड्रल वाली बेटा, I'm so sorry, मैंने चैट नहीं देखी, I'm so sorry, ठीक है। चल आगे आइए, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। अब क्या होगा ना, जो भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी इसमें हम दोनों साथ देखेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में भी देखेंगे कितने बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, साथ ही साथ वो भी देखेंगे कि उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कितने ऑप्टिकली आइसो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग दिखाऊंगी ऑप्टिकल आइसोमर, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में हम दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है मैम, समझने में आसानी। हाँ बेटा, मैम कोई ऐसा भी कंपाउंड है मैम जिसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी ना हो ऑप्टिकल आइसोमर भी ना हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर तो पढ़ते ही क्या, आइसोमरिज्म कोई तो प्रेजेंट होगा ना, ठीक है फिर तो आइसोमरिज्म टॉपिक ही ना बनता, है ना, ठीक है, क्योंकि हम दो मेन एक्सेप्शन में होता ना कोई कंपाउंड जिसमें कोई भी आइसोमर नहीं, जितने भी मैं एग्जांपल करवाऊंगी बेटा यहाँ पे, वहां पे कोई ना कोई तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, हाँ
दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये देखो ये जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं बच्चे, इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। देखो कैसे, छह लिगेंड है सेम है, बता पाओगे सिस कौन है और ट्रांस कौन है? नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसमें बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। नो मैम। इसमें बता पाओ, इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या? बाइडेंटेट है, दोनों सेम डोनर एटम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपको पता ही है, ऑक्सलेट है ना। और मैम आपने जो मतलब फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था मतलब कौन है बाइडेंटेट? हाँ मैंने ये पूछा था, ए बी कोई ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड का नाम बताओ जिसमें डोनर आइटम डिफरेंट होते हो। मैम तो मतलब मेरे अंदर से चल रहा था ऑक्सलेट, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी, मेरे को लगा कहीं गलत है। ना ऑक्सलेट है आपका, बाइडेंटेट तो है, लेकिन देखो ना दोनों डोनर आइटम सेम है इसमें बेटा, डोनर तो मैम सेम ही है ना इसके। ठीक है फिर, ठीक है। तो इसमें देखो ना, अगर मेरे को बनाना भी हो कैसे बनाऊंगी, ऐसे करके तो बनाऊंगी ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्या इसमें बता पाओगे कौन सिस है कौन ट्रांस है? नो मैम। ठीक है चलूं आगे। मैम आपने छह लिखे थे, मैम उसमें तो ए थ्री है ना। ए थ्री का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो गया? यस मैम। ठीक है, एक ए ए, दो ए ए, तीन ए ए, ठीक है। यस मैम आगे से। चलो अब अपनी कमर कस लो, अब शुरू हो जाओ, क्योंकि अब हम ना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ ज्योमेट्रिकल बन रहे थे। ऑक्टाहेड्रल एक लोते ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही बन सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है एम ए फोर बी टू टाइप। ए का मतलब, ए फोर का मतलब चार सेम मोनोडेंटेट है, और बी टू का मतलब दो। इसमें ये क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, जो मैं समझा रही हूँ उसको देखो। ये तो सिर्फ ये बोलते ना कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ये होगा, बाकी कैसे करना है देखो। अब एक बार बताओ एम ए फोर बी टू को मैं कैसे करूंगी, जो आपके पास मिनिमम है, मिनिमम का मतलब जो कम है, जैसे बी सिर्फ दो ही है, ए के हैं चार है, तो आपको जो मिनिमम वाले हैं वो पकड़ने हैं और क्या कर देना है उनको सिस और ट्रांस पे लगा देना। तो यहाँ पे मैं बी को क्या लगा रही हूँ बेटा, लगा रही हूँ, और बाकी को मैं क्या लगा रही हूँ, ए को एज इट इज रखा है। ए, 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 दिख रहा है बच्चे? Yes, और क्या पॉसिबिलिटी है बी को किस पे लगा रही हूँ? यानी कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो हैं। Yes, अब अपना दिमाग लगाओ और मुझे देख के बताओ कि ऑप्टिकल आइसोमर इसके बनेंगे क्या, इसके और इसके, सोचो। मैंने कहा था अगर दो सेम लिगेंड ट्रांस पे हैं तो बाकी चार कुछ भी हो, कहीं पे क्या भी हो, कुछ भी हो, कहाँ पे हो, हमें लेना देना नहीं है। तो बताओ मुझे, देखो ना अगर मैं यहाँ से इधर देखो तो इधर इधर, अगर मैं मान लो यहाँ से प्लेन पास कर दो, मैंने दिखाया भी था, तो बी बी को कैंसिल करेगा मतलब काटेगा, ए ए को और ऊपर है नीचे, तो ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ से प्लेन पास करोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यानी कि स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं मैम? जी आई और ओ आई। आपको ना एक ना बहुत अच्छी चीज बता रही, बच्चे बहुत फंसते हैं, स्टीरियो आइसोमर का ना फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, जी आई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। एक काम करो तो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दू, कहीं आपको लगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन इससे क्या होगा ना पहचानने में ना आसानी होगी। अभी तो ठीक है कि यहाँ पे कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन रहा है, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो जीरो है, लेकिन जब आगे आएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं इसमें? दो, प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा? दो। याद रखोगे इसको? यस मैम।
आगे चलूं? देख अब क्या है यहाँ पे, देखो बच्चे क्या था, एम ए फोर बी टू था, बी टू सेम था। अब इन्होंने क्या किया, बी और सी अलग ले लिया, बी अलग मोनोडेंटेट है और सी अलग मोनोडेंटेट है। जैसे एग्जाम्पल देखो, चार अमोनिया सेम है, वाटर अलग है, सीएल अलग है, तो इन्होंने क्या, जो कम होता है उसको पकड़ लो, कम कौन है, बी और सी दो है। तो एक बार पानी और सीएल को सिस पे लगाओ, एक बार पानी और सीएल को किस पे लगाओ बच्चा, लगाओ, ठीक है। अब चेक कर लो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस मैम ऑप्टिकली, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर समझने में दिक्कत हो रही है कि किस तरह से प्लेन पास होगा, सीएल वाटर और यहाँ पे क्या लगा दो, सारी जगह अमोनिया लगा, ये देखो। अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, बीच से काट दो यहां से, तो दोनों के दोनों ही क्या है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो स्टीरियो आइसोमर इसमें भी कितने बनेंगे, दो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। हाँ जी बच्चे, हमें ट्रांस आइसोमर में हमारा OH है ना, इसे वाटर है OH2। मैम फिर अलग अलग नहीं होगी दोनों, सीएल और H2O? तो अलग ही तो है, बीसी अलग अलग मोनोडेंटेट, बी और सी अलग है ना मोनोडेंटेट प्रियांशु? यस मैम। बीसीएल मान लो और ये पानी मान लो, मैम ट्रांस पे हमारे दोनों अलग अलग हैं, तो मैम ये बाइक प्लेन पास करेंगे तो हम सिमेट्री कहाँ बनेंगे, सिमेट्री की तो बनेंगे ना। अगर मान लो इससे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर वाला देखो ना, अगर मैं यहाँ से जो ये येलो आपको दिख रहा है, जो येलो प्लेन मैंने पास किया, इधर देखो ना, यहाँ से ब्लेड उठाओ, काटना शुरू करो, NH3 आधा कटेगा, पानी आधा आधा कट जाएगा, सीएल आधा कटेगा, अमोनिया आधा आधा कट जाएगा, ठीक है। ऊपर NH3 ऊपर NH3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो सिमेट्री तो प्लेन तो पास हो रहा है ना, सिमेट्रिकल सिस्टम। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर दो सेम लिगेंड, ये बात मत भूल जाया करो ना आप लोग, इधर देखो, अगर दो सेम लिगेंड है ट्रांसपोजिशन पे, तो बाकी चार लिगेंड कुछ भी हो, आपको वहां पे क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है जी। प्रियांशु? यस मैम। मतलब सिस वाले भी देखेंगे पहले कि हमारा जो आ रहे हैं, जो ट्रांस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हमारे लिगेंड सेम। देखो तुम्हें क्या करना है ना, जो तुम्हें दो कम, जो ये देखो H2 और CL तुम्हें दिख रहे हैं अलग, एक बार पकड़ के सिस में लगाओ और एक बार पकड़ के ट्रांस में लगाओ, ठीक है। तो तुम्हारा इस सिस बनने, अगर इसमें प्लेन समझ में नहीं आ रहा, इसमें भी यही किया मैंने, ये देखो, बताओ कुछ और कह रहे थे तो मैम, ये वाला क्लियर हो गया मैम, बस सेकंड वाला जो है ना, इसमें हमारा H2 और CL अलग अलग है, इसलिए पूछ रहा हूँ ये वाला। हाँ मैम, अलग ही लग तो है, अलग मोनोडेंटेट लिगेंड ना बेटा, सीएल अलग है, वाटर अलग है, अच्छा तुम बोलो इसमें सिमेट्री नहीं बनेगी, ये बोल रहे हो? यस मैम। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो, इसको क्या करोगे ना, इधर देखो, ये आगे से प्लेन पास करना, ऐसे आगे से इधर, इधर से करना पास, क्या होगा, जैसे बी ऐसे आगे की साइड से काटते हुए जाओगे तो सीएल आधा आधा कटेगा। अगर मान लो इधर देखो, अगर मैं सीएल को एक स्फीयर कंसिडर कर लू और इसको भी एक स्फीयर कंसिडर कर लू, ठीक है, तो इसको ये काटते हुए जाएगा आधा, ये देखो ना आधा आधा, यस मैम, ठीक है। NH3 NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा और NH3 NH3 को, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लेन पास हो रहा, समझे? इसमें हमारा एक NH3 हटा के अगर कोई और लिगेंड आ जाए तो हो जाएगा ना, तो हाँ, तो हाँ, तो फिर कुछ और कहानी बनेगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलो, तो दोनों के दोनों क्या है ध्यान रखना, अगर कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो इस पे स्टार लगा लो, ठीक है, और अपनी नोटबुक से जैसे मैंने करके दिखाया था वैसे करके देखना, समझ में आ जाएगा। बाकी इस पे स्टार लगा लो अगर किसको, जिसको ये कंफ्यूजन हो रही है, ताकि अगर पेपर में आए तो गलत ना करके आओ। ये तो भैया बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली नीट में जो सवाल आता है ना आइसोमेरिज्म से, वो यहीं से ही आता है, तो तुम खुशकिस्मत हो गए अगर यहाँ से आ गया तो क्वेश्चन। कौन सा है ये थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। MA3B3 टाइप,
MA3B3 तीन एक टाइप के मोनोडेंटेट है और तीन डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट है। तो जब भी MA3B3 टाइप का तुम्हें कॉम्प्लेक्स देखने को मिले तो वहां पे दो तरह के पॉसिबल होते हैं, उनका नाम ध्यान रखना, क्या क्या नाम होता है, फेशियल और मैरिडोनियल आइसोमर। क्या नाम होता है बेटा? फेशियल और मैरिडोनियल आइसोमर। फेशियल और मैरिडोनियल। मैम फेशियल कैसे दिखता है? इधर देखो, जब तीन लिगेंड आप इस तरह से देखो सेम ट्रायंगुलर फेस पे लगा रहे हो, इधर देखो बच्चे सारे, ये दिख रहा है आपको? आपने तीन NO2 सेम फेस में लगाए, ठीक है। और मैरिडोनियल का मतलब क्या है? इधर देखो, ये देखो, इसमें क्या कर रहे थे आप? सेम फेस पे लगा रहे थे, इसमें देखो ना NO2 NO2, इसमें ये बीच में अमोनिया घुसा दो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैरिडोनियल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैरिडोनियल हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, अगर सेम ट्रायंगुलर फेस पे है तीन सेम लिगेंड है, वो फेशियल होगा, ठीक है। दो सेम उस पे है, फेस पे है, और तीसरा जो है एक छोड़ के है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो वो क्या होता है तुम्हारा? मैरिडोनियल होता है। तो ध्यान रखना MA3B3 में क्या होता है? फेशियल मैरिडोनियल। तो बेसिकली इसमें अगर कोई पूछे कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? दो होगा। क्या, कौन कौन से है? फेशियल और मैरिडोनियल, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये हुई कि आपको ये पहचानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला तो सबको दिख रहा है, ये देखो, यहाँ से मैं प्लेन पास करूं तो ऊपर NH3 ऊपर NH3 और यहाँ पे क्या नाइट्रो ग्रुप आधा कट जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी और यहाँ से भी। तो ये वाला तो है मैरिडोनियल वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ये, इसका देखो क्या सीन है, ये कैसा है, एक्टिव है या नेगेटिव है? आगे की तरफ काट दो उसको, जैसे भी मैंने बोला ना, इसको भी स्फीयर मान लो, इसको भी स्फीयर मान लो, आगे की तरफ काटो। NH3 के नीचे NH3 आएगा, NO2 के नीचे NO2, मतलब अगर आप मिरर लेके जाओगे तो ऊपर भी NH3 नीचे भी NH3, ऊपर NO2 नीचे NO2, तो ये भी क्या है बच्चा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, फेशियल आइसोमर को ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर करके आते हैं, बट अगर तुम करके आए तो लगेगा एक चपाट। मैम ये दूसरा वाला समझा देना एक बार, मैरिडोनियल वाला। यस मैम, ये वही है बेटा, वही है। दो सेम लिगेंड अगर ट्रांस पे आ जाएंगे तो वो क्या होता है मनीषा? हमेशा इनएक्टिव होता है, बस खत्म। तो यानी कि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे बच्चा? जीरो, दो बनेंगे। ये देखो, ये एग्जांपल है सारे, और यहीं से पेपर में आता है, यहीं से पेपर में आता है MA3B3। जनरली यही एग्जांपल जो होते हैं पेपर में आते हैं, तुम बेशक आज मॉड्यूल देख लेना, यही दिखने को मिलेंगे A3B3 टाइप। और ये भी देखो दिख रहा है? यस मैम, ठीक है, आगे चलो। यस मैम, यहाँ पे चलते, ये थोड़ा सा अलग है, ये नीट में तो हालांकि ऐसा आया नहीं है। ये कौन सा था? 3 और ये है 4। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MA2B2C2 टाइप। क्या लिखा हुआ है? A2B2C2 टाइप, है ना। तो अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है तो ठीक है, अब तुम खुद सोचो क्या करें हम। एक काम करते हैं, पहले तो सारे A A B B C C को सारे हम सिस लगा लेंगे, है ना, एक ये पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार हम सबको ट्रांस में लगा लेंगे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। एक बार हम क्या करेंगे, ए ए को ट्रांस में लगा लेंगे, एक बार हम करेंगे बीबी को ट्रांस में। ये नीट में आज तक पूछा नहीं गया है और आगे भी आने के चांसेस कम है, बट कर लो। सीसी में भी क्या है, इसको ट्रांस में लगाओगे, तो ये इस तरह से 5 बना रहे हैं। शुरू करें? यस मैम। चलिए, तो पहला है सबको सिस बनाना है, तो ए ए बीबी सीसी बन गया। यस मैम, आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। ये वाला देखो बच्चा पार्टी, सबको ट्रांस में लगाओ, ए का ए के ट्रांस में, ठीक है। फिर क्या होगा, बी का बी के ट्रांस में लगा, सी का सी के, और सी का सी के ट्रांस। ये सारे सिस हो गए, ये सारे ट्रांस हो गए। अब क्या करना है, एक बार ए को ट्रांस में लगाओ, एक बार एक को ट्रांस में लगाओगे तो ये देखो ना,
ये देखो इस ए को यहाँ लेके जाओगे तो बी यहाँ आ जाएगा, और सी सी क्लियर है? Yes, बात बी 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 को लेके आओ, देखो अगर मैं बी को यहाँ लेके जाऊं तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट सी वाले का क्या सीन है? अगर मैं सी को यहाँ लेके आऊं तो बी यहाँ आ जाएगा, देखना एक बार आप खुद बना के दिखाओ, मतलब देखो समझ में आ जाएगा कैसे बनाया मैंने, बना के देखो ज्यादा क्लियर होगा। पांच ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव और मैम? हाँ जी बेटा। मैम जी सी वाला है, इसे एक्सिस पे नहीं लगा सकते तब भी तो ट्रांस ही होगा। हाँ बना दो, बना दो, बना देती हूँ मैं, एक काम करती हूँ लिख देती हूँ, ये लो अभी ठीक है। यस ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? पीछे से शुरू करते हैं, ये देखो दो सेम लेके ने ट्रांस पे, तो ये पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, और ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिर्फ ये वाला होगा। यहाँ पे करके दिखा दो, प्लेन पास ही नहीं होगा। अगर आप मान लो आगे से भी पास कराते हो ना, इधर देखो आगे से भी, इधर देखो एक बार, आगे से भी पास कराओगे तो ए ए को ए ए कट जाएगा, बी बी कट जाएगा, सी को सी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ देखो ए के नीचे बी है, तो यहाँ से प्लेन पास नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चे तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, है ना? यही तो होता है ना, एक डेक्स्ट्रो बनता है एक लीवो बनता है, बोलो ना। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला लगाऊं तो पांच प्लस हाफ कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं? दो, दो क्या आ जाएगा? सिक्स। इन्होंने कैसे लिखा हुआ है? इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पांच है, एक ऑप्टिकल एक्टिव है, तो दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया सिक्स। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसे कर सकते। क्या ये क्लियर है? यस मैम। ये देखो इस पे भी लिखो, मेरी तरफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिफ्थ वाला है ये, एम आई थिंक ये लास्ट रखें क्या इसको, कहीं ज्यादा नहीं समझा दू, इतना ज्यादा समझा दू कि समझ में ही ना आए, ठीक है? फिर बाकी हम कल कर लेंगे। यस मैम। इतने ज्यादा भी नहीं है मैम, आज का इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों पहले। मैम होमवर्क दे दो। यस मैम इजी है। हाँ पेपर में भी इजी आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में नंबर लेना मुश्किल नहीं है। इधर देख तुम ये लगा लो, हमने 90% चैप्टर खत्म कर लिया है, अब बस 10% रह गया है, जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा ये रह जाएगा आइसोमेरिज्म और सिनर्जिक बॉन्डिंग रह जाएगी, उसमें से बहुत कम केस होते हैं, जेई मेन वाले बहुत क्वेश्चन देते हैं, लेकिन नीट में उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बट हमें करना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। चलो इसको देखो बेटा, ए ए का मतलब क्या है? ए ए का मतलब क्या है पता है ना? बाइडेंटेट है, सेम दोनों एटम। एग्जांपल ऑक्सलेट और इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन और ऑक्सलेट डायमीन। वेरी गुड। तो देखो ना इसको कैसे बनाऊंगी, इधर देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से और एक इस तरह से, देखना एक बार। हम इसमें भी डेक्स्ट्रो और लाइवो। हाँ वेरी गुड, इसकी ट्रिक भी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बनेंगे, राइट? अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे बच्चा पार्टी, तो कैसे होगी मिरर इमेज? जो आपको राइट दिख रहा है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में आ जाएगा। देखो इधर, यस यस। अब दोनों को आपस में सुपर इम्पोज कराओ, हो गए तो नहीं होंगे, किसी भी हाल में नहीं होंगे, कैसे मर्जी तिगड़ी भिड़ा दो नहीं होंगे। अब ट्रिक सुनो, जब भी एक बेटा ऊपर की तरफ रिंग बनेगी और एक नीचे की तरफ रिंग बनेगी, समझ जाना वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और एक लीगो रोटेटरी बनेगा। अगर एक ऊपर की तरफ रिंग बन रही है और एक नीचे की तरफ रिंग बन रही है, इधर देखो
वो हमेशा उसकी जो मिरर इमेज होगी बच्चे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगी। तो वो क्या होंगे, क्या शो करेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। और उनको हम क्या बोलते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इनेंशियोमर्स, या हम इसको और क्या बोलते हैं, इनेंशियोमोर्फस। अगर आपने देखा होगा तो नोट्स वगैरह में या मॉड्यूल्स वगैरह में वहां पे ये वर्ड होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो है, ठीक है। और ये देखो इसमें ना फंसते हैं बच्चे, इधर देखो, या तो सिंपल आप ये करो कि आपको दो दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर ये लिखो दो, ठीक है। जनरली हम जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना स्टीरियो आइसोमर वाला, तो उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कभी जीरो नहीं लिखते, वन लिखते हैं। वन प्लस हाफ दो है तो कितने आ जाएंगे, दो। लेकिन मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगी जीरो जी आई है कोई नहीं बन रहा, दो ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है, समझ गए। ये देखो इस तरह से, ये देखो, ये दोनों एग्जांपल बहुत पॉपुलर है। दिख रहा है सभी को? यस मैम। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है और एक लीवर, ठीक है। एक काम करो, ये क्वेश्चन कर दो, एक काम करते ये भी करवाई देती हूँ मैं। इधर देखो कौन सा है, ये आपका सिक्स लास्ट है, ये ए टू बी टू। ए का मतलब क्या है, बाइडेंटेट है, सेम डोनर आइटम है, और बी कोई अलग मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। तो बच्चे इसको कैसे बना सकते हो, मेरा वही सेम बी बी को एक बार क्या लगाओ, सिस पे लगाओ एक बार, और एक क्या लगाओ, ट्रांस पे लगाओ इस तरह से, और ए ए को इस तरह से लगा दो। ये देखो इस तरह से बन गए। यस मैम। तो इसमें भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। ये वाला देखो सेम टाइप के लिगेंड है, ऊपर और नीचे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यस मैम। और यहाँ पे क्या है, एक रिंग ऊपर बन रही है एक नीचे, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें दो बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो रोटेटरी। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, दो ज्योमेट्रिकल प्लस हाफ, कितने बने ऑप्टिकल आइसोमर, दो। तो टोटल कितने बन जाएंगे बताओ, कर पाओगे? यस मैम। हाँ जी, ये देखो ये सारे एग्जांपल है इसके, किसके एग्जांपल है, ये एम ए ए टू और बी टू टाइप के, हो जाएगा? यस मैम। क्वेश्चन कर दो, कितने क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, बाकी कल करवाते हो। फिर हैंड रेज करने हैं बस तुम्हें। दीपक का कोई मैसेज आएगा ग्रुप में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, हैंड रेज करना। हाँ जी, कितने बच्चों ने हैंड रेस किया, 7 स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड। बाकी बाकियों को नहीं पढ़ाया मैंने, 23 बच्चे बैठे हुए यहाँ पे। गुंजन कहाँ है, गुंजन अर्चना कहाँ हो भाई, जुनैद प्रियांशु निगम कहाँ हो, सुहानी राधिका मेघा जागृति गायत्री, गुंजन ने, हाँ हाँ गुंजन बता, एक काम करो गुंजन, बता रहे हो? हाँ जी
बोलो सी मैम दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, लगाऊं चाटा? नो मैम। मैम एक एक्टिव एक इनएक्टिव। हाँ तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो ना, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मैम मैं बताऊं? मैम दिनचर ने आंसर दे दिया। मैम बी हो सकता है। मैम बी होगा ना। एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, अभी तो करवाया, तुम ऐसे करते हो गंदे बच्चे। बी कैसे होगा भाई? ए ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होगा भाई? ट्रांस है, ट्रांस को तो देखते ही कह दो भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे है ये ऑप्टिकली एक्टिव भाई? डी वाला होगा, अभी तो करवाया, भूल गए क्या? मैम वो ये देख के मैं कंफ्यूज हो गया, सिस मैंने सिस को आज जोड़ दिए पहले। ठीक है, बना के देखना पड़ेगा जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है मैम, इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं जिसकी रिंग ऊपर नीचे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डी 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 डी, शाबाश। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, ये वाला करो। चलो एक और मौका दिया, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। थोड़ा सा दिमाग लगाना और नोटबुक में बना के देख लो। वैसे तो नहीं बनाना चाहिए आप लोगों को, ऐसे ही 5 से 10 सेकंड में आपको आंसर देना, बट कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो। आंसर आंसर नहीं बताना, हैंड रेज करना भाई। मैम बता दिया। मैम अब तो हो गया। क्या आंसर है? ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी क्या बनेगा? फेशियल मेरिडोनियल, ये भी इनएक्टिव है, लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो एक और मौका दिया, जिसको वो भी समझ में नहीं आया, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सोच समझ के देना। दीपक का तो नेट ही बंद है भाई। हैंड रेज करो, इतना टाइम लगा रहे हो क्या? किया है हैंड रेज। अच्छा कर लिया क्या? ठीक है, मेरा ध्यान कहीं उठा क्या? गायत्री? यस मैम। बताओ। मैम सी। वेरी गुड। ठीक है सी होगा, ये तो नहीं हो सकती। कोबाल्ट ध्यान रखना, और इसका तो ऊपर वाले का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो तो वैसे ही नहीं दिखाएगा, समझ गए? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, आई होप कि पल्ले पड़ा हो। बाकी कल करके सिनर्जिक बॉन्डिंग चालू कर देंगे, और देखते हैं कल ही चैप्टर को फिनिश भी करवा दें। ठीक है मैम, कल 6:30 पे है ना क्लास? हाँ जी बेटा, कल मैम 6:30 पे है ना क्लास? हाँ